एसडीएम ज्योति मौर्य केस में बड़ा अपडेट। मनीष दुबे ने आलोक मौर्य को कैसे घेरा? पढ़ाने लिखाने के सवाल पर क्या बोले? मैं, मेरी पत्नी और वो, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि असल हकीकत है जो आपने भी गाहे बगाहे अपने फोन या मीडिया चैनल में सुनी होगी। उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद जारी है। इस विवाद की वजह है महोबा के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच प्रेम संबंध है। इस मामले में अब मनीष दुबे ने अपना पक्ष खुलकर सबके सामने रखा है। मनीष दुबे ने कहा कि यदि मैं और ज्योति आम व्यक्ति होते तो इस केस पर अवश्य बोलते, मगर जिस पद पर मैं हूँ कैमरे के सामने कुछ भी बोल नहीं सकता। इस केस की वजह से ज्योति के साथ साथ मेरा भी जीना मुश्किल हो गया है। हम दोनों का तो कुर्सी पर बैठना ही गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी नौकरी कर रहा था, मगर अब लगता है कि पता नहीं कहां आकर फंस गया हूं। आलोक कह रहा है कि उसने ज्योति को पढ़ाया है, लोग भी यही कह रहे हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का मतलब होता है बचपन से पढ़ाया लिखाया जाए। जिस पोस्ट पर हम बैठे हैं, क्या सच में कोई हमें बना सकता है? जो व्यक्ति पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहा है वो ये तक नहीं बता सकता कितने पेपर होते हैं। सुनिए, मान लेते हैं इससे ये पूछेगी कितने पेपर होते हैं, शायद बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है कि बहुत अजीब अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज को इतना बड़ा चला दिया, मैं भी हतप्रभ हूँ, भी हतप्रभ हूँ। पर्सनल मामला था, इस चीज को वहीं पे वहीं खत्म करना चाहिए। वहीं जब होमगार्ड विभाग के डीआईजी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मनीष के खिलाफ चल रही जांच के बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मनीष अच्छे अधिकारी है। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के डीआईजी ने यह भी कहा कि वो ज्योति मौर्य को जानते तक नहीं। उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ और औपचारिक रूप से मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वर्दी में जैसे नहीं, कोई और बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है। ज्योति मौर्य जी को ही मैं नहीं जानता हूँ। मनीष दुबे हमारे यहाँ कमांडेंट होमगार्ड है, महोबा में अभी ज्वाइन किया। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद अब लखनऊ पहुंच गया है। शुक्रवार को ज्योति मौर्य ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की जा रही टिप्पणियों पर अधिकारियों को सफाई दी और पूरे मामले की जांच की बात कही। अमर उजाला के अनुसार एसडीएम ने कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, इसकी जांच कराई जानी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाईकर्मी पति आलोक मौर्य की दो बेटियां हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से पत्नी ज्योति को पढ़ाया और जब वो कामयाब हो गई तो उन्होंने इनसे ना सिर्फ मुंह मोड़ लिया बल्कि किसी और के प्रेम में पड़ गई। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने इनके और इनके कथित प्रेमी के बीच के प्रेम प्रसंगों के बारे में बताते हुए दोनों के बीच हुई मोबाइल चैटिंग को भी सार्वजनिक किया, जिसमें दोनों के बीच प्यार भरी बातें की गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।